तो हेलो गाइस, आज चुका आज की नई वीडियो में इस वीडियो में हम एक एडवेंचर करने वाला है जो कि बहुत ही औसम और मस्त होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। और जैसे कि आपको शो हो गया कि किस तरह के हम फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, चैनल पर लाइक हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी और आप पिका एडिटिंग सीख सकते हो। तो बिना कुछ बोले वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूँगा, उसे पिकार्ट में ओपन करना है। फिर सिंपल आपको ऐड फोटो में जानी है, तो फिर मैं आपको एक पीएनजी दूंगा, उसे ऐड करना है। और तो सिंपली फुल बैकग्राउंड तो थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली फिर उसे ब्लेंड का ऑप्शन लगा था, फिर स्क्रीन करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, जैसे कि मैंने आपने दिखा दिया। तो फिर सिंपली डन कर देंगे एडजस्ट करके आपके हिसाब से। फिर ऐड फोटो में जाना है आपको, जो आपका मॉडल होगा उसकी पीएनजी आपको कटआउट निकाल के रखनी पड़ेगी, तो उसकी निकाल कर तो फिर उसको ऐड करना है सिंपली। फिर सिंपली आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। फिर उसको क्या बोलते हैं, इरेजर में लेके जाना है। फिर इरेजर में लेके हार्डनेस और ओपोसिटी दोनों 70% के आसपास रख लेना, और जो साइज़ होगा ब्रश का उसको 50 के आसपास, और नीचे से आपको थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर देना है, जैसे कि वीडियो में आपको दिख ही रहा है। इसे करने के बाद फिर से आपको इरेजर पर जाना है, फिर से आपको इरेजर बनाना है, ओपोसिटी और हार्डनेस दोनों को 60-60 के आसपास या वो कर लेना है, और साइज़ को वही रहने देना है। फिर नीचे से दो बार लाइन मारनी है, एक दो। फिर आपके हिसाब से अगर आपको और करनी है तो मार सकते हैं, वरना फिर एक लेफ्ट से मारनी है और एक राइट से मारनी है, ठीक है। फिर आपको अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिर सिंपली डन करना है। फिर से आपको वापस ऐड फोटो में जानी है, फिर आपको ऐड फोटो में जाना है। सॉरी यार, ये मेरा गलती से स्टिकर खुल गया था। फिर आपको ऐड फोटो में जाना है, आपको जो मॉडल है उसको ऐड कर लेना है, उसको ऐड कर लेना। अगर आपको सही से बैकग्राउंड ड्रेस नहीं करना चाहता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बैकग्राउंड ड्रेस करने की वीडियो भी एक अपलोड कर दूंगा। फिर सिंपली ऐड कर लेना है, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके फिर डन कर लेना है। डन करने के बाद फिर आपको मैं एक पीएनजी दूंगा, उसको ऐड कर शेडो के पीएनजी दूंगा, उसे ऐड कर लेना है। फिर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जो इसका जो साइज़ है, जिधर आपको चार डॉट दिख रहे ना उसमें से आपको छोटे करके अपने पैरों में अपने हिसाब से आराम से एडजस्ट कर लेना है। तो आप पूरी वीडियो देखते रहना, अच्छा नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अपने हिसाब से आप देखो कैसे मैंने एडजस्ट किया, आप भी वैसे एडजस्ट कर लेना। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, मैंने अपने शैडो को सही से एडजस्ट कर लिया है। फिर आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से आपको ऐड फोटो में जाना है। मैं आपको एक पीएनजी दूंगा, ठीक है, उसको ऐड कर लेना है, उस स्टाइलिश नाम की पीएनजी है उसे ऐड करना है सिंपली। उसे फिर आपके मॉडल के लेफ्ट साइड में ऐड कर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने भी अपने मॉडल के लेफ्ट साइड में ऐड कर लिया है, वैसे ही आपको भी सिंपली ऐड करके डन कर लेना है। आपको ड्रॉ टूल में जाकर अपनी फोटो सेव कर लेना है, और आपकी डुअल फोटो एडिटिंग तैयार हो चुकी है। तो अब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।